हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल श्री राम जान की मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का ये मेन गेट देख रहे हैं इसी मेन गेट से अंदर प्रवेश करने पे इसका पूरा जो है कॉरिडोर देखने के लिए मिल जाएगा काफ़ी ही यहाँ पे शानदार और सुविधाएं से लेस बनाया गया है इस हॉस्पिटल को एक एक चीज़ इस हॉस्पिटल के बारे में बताएँगे क्या कुछ सुविधाएँ इस हॉस्पिटल में मिल रही है और आने वाले समय में क्या कुछ सुविधाएँ मिलने वाली है पूरा एक एक चीज़ को दिखाएंगे और यहाँ पे इलाज शुरू हुई है नहीं किस प्रकार से यहाँ पे पंजीयन करवाया जाता है किस प्रकार से डॉक्टर से कंसल्ट करवाया जाता है किस प्रकार से यहाँ पे जो है दवाइयाँ मिलती है अलग राज्य से यहाँ पे आके इलाज करवा सकते हैं या नहीं तो एक एक चीज़ को जो है आज के इस वीडियो में बताएंगे तो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि पता चल सके कि बिहार में भी कई सारे प्रकार के जो है विकास हो रहे हैं और कुछ आप लोगों को अपना सुझाव देना हो तो ज़रूर से कमेंट करिएगा अपनी राय ज़रूर कमेंट करिएगा ये इसका देख सकते हैं पूरा कॉलेज का कैंपस काफ़ी ही शानदार सा बड़ा सा बना हुआ है तो बिहार वासियों को एक और सौगात मिल चुका है जो कि समस्तीपुर में बिहार का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनकर तैयार हो चुका है 21 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री ने श्री नीतीश कुमार के द्वारा इस 21 एकड़ में बने काफ़ी सुविधाएं से ले श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का लोकार्पण हो चुका है जस्ट जो है 22 जनवरी से एक दिन पहले 21 जनवरी को राम मंदिर के जस्ट उद्घाटन से पहले ही यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया और एक ही संयोग देखिए कि एक ही तरह का इसका नाम है तो इसका रजिस्ट्रेशन ये देख सकते हैं यहाँ पे आके आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं दो दो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए हैं चैम्बर और इसका ओपीडी है और जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो ये जो है शानदार सा आप लोग को सुंदर सा देखने के लिए मिल जाएगा और इसका देख सकते हैं ब्लॉक ए का पूरा ये और ये जो है वेटिंग हॉल है यहाँ पे जो भी परिजन आएंगे तो वो कर सकते हैं वेट और फार्मेसी यहाँ पे दवाइयाँ जो है मिलती है और इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं कई प्रकार के डॉक्टर जो है बैठे हुए हैं फिजिशियन से ले कर बच्चे से ले बूढ़े तक का सारा डॉक्टर जो है बैठ रहे हैं तो यहाँ पर जो है इलाज शुरू कर दी गई है और जो भी राज से यहाँ पे आ रहे हैं कहीं से इंडिया के कोने से किसी कोने से यहाँ पे आके जो है इलाज अपना करवा सकते हैं बिल्कुल निशुल्क में यहाँ पे इलाज हो रही है जो कि सीएम नीतीश कुमार के द्वारा 21 जनवरी को ही इसका लोकार्पण किया गया था और तब ही नीतीश कुमार ने बोले थे कि यहाँ पे इलाज जो है इक्कीस जनवरी से ही शुरू कर दिया जाएगा तो जैसा उन्होंने बोला था वैसा ही यहाँ पे इलाज जो है शुरू हो चुकी है और यहाँ पे इलाज हो रही है बिल्कुल निशुल्क में इलाज हो रही है और बिल्कुल जो है निशुल्क में यहाँ पे सारी सुविधाएं मिल रही है तो काफ़ी शानदार सा यह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लग रहा है यहाँ पे देख सकते हैं बॉयज़ हॉस्टल का ये बिल्डिंग और जस्ट बॉयज़ हॉस्टल के बिल्डिंग के बगल में ही आप लोग को ये जो है मेडिकल कॉलेज देखने के लिए मिल जाएगा और हॉस्पिटल तो काफ़ी शानदार सा है और काफ़ी यहाँ पे जो है ये इसका देख सकते हैं डॉक्टर का आवास है जो कि जस्ट ओ के बग आगे में ही आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा ताकि रात विरात में जो है कोई जो है पेशेंट को जरूरत हो डॉक्टर की तो आ, उस डॉक्टर जो है पेशेंट को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े जैसा कि कई सारे जगह पे होती है तो डॉक्टर कहीं और रहते हैं पेशेंट तो हॉस्पिटल में रहते हैं तो वो सारी जो है समस्या यहाँ पे समाधान हो जाएगी और यहाँ पे ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये बिल्डिंग जो है जो भी पेशेंट आएंगे उनके परिजन के रहने के लिए व्यवस्था यहाँ पे की गई है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो पेशेंट के जो है परिजन खुद ही यहाँ पर रह सकते हैं इसका देख सकते हैं काफ़ी शानदार सा एक लाइन से पूरा ये सुंदर सा देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे ऊपर का सातवां फ्लोर आप लोगों को ये दिखा रहे हैं सातवें फ्लोर पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है कई सारे बिल्डिंग में जो है पूरा अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो आगे अगर आप लोग इस कॉलेज कॉलेज और मेडिकल हॉस्पिटल के अपडेट के लिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर कोई और आप लोगों को जो है समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं तो उसके लिए भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे ये देख सकते पूरा कंस्ट्रक्शन का सामान रखा हुआ हालांकि जो है यहाँ पे दूर दूर से लोग आके जो है इलाज करवा रहे हैं तो यहाँ पे कैसे आना है वो भी दिखाएंगे फिलहाल आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो है पेशेंट के लिए अलग से लिफ्ट भी बनाए गए हैं और जो परिजन आएंगे यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो लोग भी आएंगे उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है कोई भी एक चीज़ ऐसा नहीं है जो इसमें जो है आप लोग निकाल सकते हैं नाकामयाबी हर एक चीज़ की व्यवस्थाएँ यहाँ पर की गई है तो काफ़ी ही जो है अच्छा लगता है देखने में इस प्रकार से बिहार में जो है विकास होते हुए ये इसका ऊपर से नज़ारा आप लोग देख रहे हैं जो कि शानदार सा लग रहा है देखने में और ये देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है देखने में तो ये इसका ओपीडी के जस्ट बगल में जो जैसा कि मैं बता रहा था डॉक्टर का जो है आवास बनाया गया है इसका अंदर का कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे हैं जो कि लगभग जो है हर एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है उसको भी किया जा रहा है और काफ़ी ही जल्द ही ये भी काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा आगे जो है अगर इस हॉस्पिटल का अपडेट चाह रहे हैं तो जरूर से कमेंट करिएगा देख सकते हैं पूरा जो है ये उसका जानकारी देखने के लिए मिल जाएगा मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट अपार्टमेंट ओ पूरा ये जो है मेन गेट जो देख रहे हैं मेन गेट से प्रवेश करिएगा तो ये जस्ट आगे में ही ये जो है हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज का पूरा डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा बोर्ड में ये इसका सुंदर सा परिसर जो कि जो लोग भी यहाँ पे आएंगे तो काफ़ी सुविधाएं मिलेगी उन लोगों को और लगभग सौ छात्र यहाँ पे पढ़ सकते हैं ये देख सकते हैं दो गेट इसका है एक गेट ये हो गया मेन एक गेट उधर से हो गया तो ये आने के लिए देख सकते हैं ये तीन तरह से यहाँ पे रास्ता जाती है ये इधर दो तरह से इधर जो जाती है ये कॉलेज के तरफ जाती है और ये जो है सयाज रंजन में नरगोगी राम जानकी मठ है उसी के बगल में ये जो है राम जानकी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को बनाया गया है ये जो मोहानी देख सकते हैं जीरो माइल जीरो माइल से जस्ट जो है आप लोगों को इधर के तरफ जाना है तो कॉलेज चले जाइए